मैंने इलेक्शन के दौरान जो इस पूरे ज़िले का फतेहाबाद का प्रदेश स्तर का एक इशू था चिट्टे को लेकर के, जिस पे मैंने विधानसभा में भी आखिरी सत्र के अंदर एक काम रोको प्रस्ताव उस पर देकर के चर्चा करी थी और सरकार की तरफ से एक आश्वासन मिला था कि हम इसकी रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाएंगे। और नशा कोई और नहीं बेच रहा, जो सरकार में बैठे लोग हैं वो इसकी स्मगलिंग करते हैं, वो इस चिट्टे को ला करके गांव में अब आगे अपने लोगों से बिकवाते हैं। कि मुझे जो जानकारी मिली है, इलाके के लोगों ने जो बताया, कौन लोग इसमें शामिल है, भाई नेम मैंने उसका लिख करके दिया था कि ये लोग शामिल हैं, इनके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए। अब तक मुख्यमंत्री का कोई जवाब नहीं है। और जिस दिन मेरा ये कार्यक्रम खत्म होगा उसी दिन में कुछ लोगों को, इलाके के मुख्य जो लोग हैं उनको साथ लेकर के एसपी से मिलूंगा और मिलकर के कहूंगा कि भी उन लोगों के खिलाफ बताओ आपने क्या किया। अगर एसपी आगे से ये कहेगा कि हमारे पास कोई इस तरह की एप्लीकेशन नहीं है, तो पहले एक एप्लीकेशन दूंगा और फिर स्वयं जा करके एफआईआर लॉन्च करवाऊंगा और मैं चाहूंगा कि उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उसमें भी एक टाइम दूंगा सरकार को कि हफ्ते के अंदर अंदर उस पर कार्रवाई करे, नहीं करेंगे तो फिर हजारों लोगों को लेकर के धरने पे बैठूंगा। पहलों में सत्ता की भूख कभी नहीं रही, हमने हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ी। हम नए साल में जहाँ अपने संगठन को दोबारा मजबूत करेंगे, वहीं आम लोगों से जाकर के पूछेंगे कि नई सरकार बनने के बाद आपके सामने क्या क्या कठिनाइयां हैं, उन इश्यूज़ को लेकर के विधानसभा में और विधानसभा के बाहर उनकी आवाज़ को उठाएंगे। सत्ता के भूखे लोग थे, उन लोगों ने तो जहाँ लोगों के साथ विश्वासघात किया वहाँ खुद भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सार्वजनिक रूप से सबके सामने बात आ जाएगी कि इनको पैसों की कितनी बड़ी भूख है, किस तरह से इन्होंने अपने समाज को, अपने कार्यकर्ता को, अपने विश्वसनीय लोगों के साथ विश्वासघात किया। ये वो लोग हैं जो सत्ता में आना चाहते थे, इनको किसी से कोई सरोकार नहीं है, ना किसी की पेंशन बढ़ेगी, ना कर्जा माफ होगा। जिन लोगों ने खड़े होकर के ये कहा था कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर बहुत बड़े कपले हो रहे हैं, इसकी जांच हो, जो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे, आज सत्ता में है, जांच कराओ, हम भी स्वागत करें। आज जांच करने की बजाय समझौता कर रहे हैं। मैंने डिमांड करी थी विधानसभा के अंदर अब की बार कि जो धान बेचने वाला किसान है उससे 300 रुपये जो है सरकार नमी के नाम पे ले रही है और इसकी जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था, मुझे कहने लगा कि आप जांच कर लो, आपके दो लोगों की कमेटी बना देता। मेरे हुड्डा को दोनों को कमेटी का मेंबर बनाने की बात की। जब भी कोई विधानसभा में मुख्यमंत्री कमेटी की घोषणा करता है तो उसके लिए कमेटी रिफॉर्म करनी पड़ती है, उसके साथ अधिकारियों को लगाया जाता है कमेटी में। जिस डिपार्टमेंट की जांच के लिए कमेटी बने उस डिपार्टमेंट के अधिकारी या फिर उसके इलायदा कोई अन्य डिपार्टमेंट के अधिकारियों की ड्यूटी लगा करके उस कमेटी को कहा जाता है भी जाँच करो। ना तो कमेटी रिफॉर्म हो रही, ना किसी अधिकारी को सरकार की तरफ से हिदायत दी गई, बजाय उसकी जांच करने के कैसे मिलर से पैसा लिया जा सके, उसके लिए जो धान मिल के अंदर पड़ा है उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए टीमें बना दी। 3 बार अब से पहले होली, अब मिलों के जो मालिक है
और सरकार आमने सामने। केवल ये फिजिकल वेरिफिकेशन इसलिए हो रही है कि उन मिल मालिकों से पैसा ले लिया जाए, जहाँ किसान को लूट लिया मालिकों को भी लूटने में लगे हुए थे। मैं बहुत बड़ा खुलासा इस पे करूँगा, ये जिस ढंग से उनको प्रेशर में ला करके उनसे पैसा लेने की कोशिश में है, जिस दिन पैसा जाएगा मुझे उसी दिन पता लग जाएगा कि किस किस मिल से कितना कितना पैसा इनके हाथ में गया। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है अभी करनाल के 300 मिल मालिकों से पैसा लेकर के इकट्ठा कर दिया गया, कुरुक्षेत्र में लगे हुए हैं, कैथल में लगे हुए हैं, जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा और पैसा किसके पास जाएगा उस दिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और इस चीज़ को सार्वजनिक करूंगा कि किस तरह से मिल वालों को तंग करके उनसे पैसा लिया गया।